कल से लिख रहा हूँ मैं भाई भाई, चार दिन से लापता था ये लड़का। आर यू रेडी? नो। माइक्रो प्रोसेसर का था और भाई ने जो प्रैक्टिकल में लिखा है वो प्रैक्टिकल देने। लेट भी हो चुका हूँ, क्या कह रहे हो तुम? तो लेट हो जाते हो हर व्लॉग में। A few moments later, मैं गलत क्लासरूम में चला गया था। शाबाश भाई, मैं क्लास में पहुंच चुका हूँ। मेरा तो काम कंप्लीट था क्योंकि मैंने पूरी रात बैठ के मेहनत की थी, लेकिन मेरे जो बड़वे दोस्त है ना, ये बड़वे जो दोस्त है अब तक कर रहे हैं काम, लेकिन ये जो मेरा प्यारा भाई, ओ हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड, मुझको भी याद आया बिल्कुल। आज तो दावत मेरे भाई प्रशांत की तरफ से होगी। भाई क्या हो गया? पट्टी पर ये कल से लिख रहा हूँ मैं। ये योगा जब तुम कोल वो नहीं जाते लैब वगैरह। नहीं, कास्ट सेटिंग होती तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब तुम अपने दोस्त को बेल से मारते हो। बेल से मारा इसको, कैसे मना बर्थडे? तो गाइस इसका कल बर्थडे था, इससे पूछेंगे भाई कैसा रहा। कर दी भाई लाल, लाल कर दिया भाई, दिखाना जरा कैसा सेलिब्रेट हुआ फिर कल बर्थडे भाई। तो तुझे कल ये फील हुआ होगा कि मैं क्यों ही पैदा हुआ है ना। अकेले बेटे को जैसे पाप मारता है, अकेले बेटे को जैसे पाप मारता है, कैसे मारा? हाँ भाई भाई, असंभव असंभव को दिखाता ना अभी फोन में, वो इसी की पूरी पीछे से ना ऊपर से लेके नीचे तक पूरी रेड हुई थी, पूरी रेड, मतलब रेड अलर्ट एरिया था कल इसके। भाई इससे बैठा नहीं गया, कल इसका बर्थडे था, मतलब कल इससे बैठा नहीं गया, लेटा नहीं गया। मेरा बर्थडे छोड़ो जब कभी है, तो जो भी तेरे पीछे डिजाइन या ड्राइंग बनाई गई है वो जस्ट आर्टिस्ट है हमारे प्रणव सर, आपने बनाई, निर्वे सर ने बनाई। मुझे खुद काम नहीं कर रहा है। कुछ बताओगे आप, रात क्या हुआ आपके साथ? नो कमेंट्स सर, नो कमेंट्स। ए भाई बताना भाई 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 मेरा भाई दर्द कैसे हुआ गाइस? इसकी ऐसी हालत हो चुकी है जैसे अक्षय कुमार उसमें नहीं बोलता वेलकम में। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, ये ब्लॉग में डाला कि भाई ने माइक्रो प्रोसेसर के भाई इसका जो प्रैक्टिकल था ना आज माइक्रो प्रोसेसर का था और भाई ने जो प्रैक्टिकल में लिखा है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक का लिख। भाई देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं पब्लिक के साथ के बीटेक वालों की जिंदगी की कैसे, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप लोगों को बताते हैं जो लड़का बैठा ना ये श्रेष्ठ नाम है इसका भाई, हाथ चार दिन से लापता, ये इसका दोस्त है और ये इसका दूसरा दोस्त है, चार दिन से लापता था ये लड़का, चार दिन से मतलब कंटिन्यू कॉल किया जा रही थी लेकिन नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ वगैरह बताया जा रहा था इसका कॉल। फिर इसके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन लिखाई गई, हम सुधा की तलाश करके एक पुलिस कंप्लेन लिखवाई गई इसके खिलाफ, जब जाके पुलिस वाले ने ढूंढने में मदद करी, सर ने बोला जैसी भी हालत में ना ऐसी में आ जा, बेचारा नंगा बैठा था, शर्ट भी अभी हॉस्टल से लाके प्रोवाइड कराई गई। माशेक को तो आप जानते ही होंगे भाई, वन भैया नोएडा थे कल, कुछ कहोगे? ये भाई कल नोएडा थे और इतनी इमरजेंसी में आए ना, इतनी इमरजेंसी में आए हैं, अपने दोनों अंडरवेयर तो नोएडा में भूल ही गए है ना। ये लौंडा जो है ना कल नोएडा था है? ये और आज यहाँ प्रैक्टिकल दे रहा और दो चड्डी भूल गया वहां से। लंच हो गया हमारा और बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हो गई हमारी लंच के साथ साथ। शाबाश, खाना खाने जा रहे, भूख भी बहुत ज्यादा लगी क्योंकि गाली इतनी सुन ली कि भाई जैसा हुआ तुम्हें पता मेरी किस्मत कैसी है। तो मुझे तो एन में तो हमें फुल बेइज्जत कर रखा, मुझे तो भाई चुप हो जाना, तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ ना, मुझे बता लेने देना। किसी ने हमारे मुंह पे कॉपी फेंक मारी, किसी ने चौक मारी, कॉपी की लगाई, अरे इसने मानी नहीं कॉपी, अच्छा हां डेस्क पे रख रखी, डेस्क पे प्रैक्टिकल देने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे कंपलसरी देना तो पड़ेगा, इतना फ्रस्ट्रेट होगा, इतनी रोटी खा लेगा, इतनी रोटी खा। गाइस मैं आ चुके हैं, अभी हम खाना आ जाइए बनाएगा। थैंक यू भाई पानी लाने के लिए बहुत बहुत, तो भी खाना खा के चलते हैं दूसरा प्रैक्टिकल देने, फिर देखते हैं गाइस कितनी बेइज्जती और होने वाली है आज हमारी।
तो गाइस हुआ यूं कि क्या ना कि अभी हम दूसरा प्रैक्टिकल देने गए थे और वहाँ पे क्या हुआ कि मैम ने बोला अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आप बाहर निकल जाओ, अंदर ही मत घुस जाना। तो मुझे लगा मैं अकेला हूँ, मेरे को डर लग रहा। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे भाई लोग ऑलवेज खड़े रहते मेरे लिए। अगर ये ऐसे मेरे साथ रहते रहे ना तो बर्बाद होने में बस 6 महीने लगेंगे। दोबारा भेज दियो, कराने जा रहे हैं हम अपनी। तो बड़ा मोटिवेट किया मैंने लोगों को कि एक बार वो ट्राई कर लेते हैं। भाई अच्छा चले अंदर, भाई चले अंदर। आर यू रेडी? नो, 5 मिनट। हम जा रहे हैं अंदर, अभी देखते हैं हमारी कितनी बेइज्जती होती है नहीं होती। सामने मैम बैठी है तो चल रहेगा। चल भाई चलो 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 भाई, भाई चलना अंदर। ओए चल भाई चल रहा है। गाइज अंदर कोई नहीं जा रहा, सबको डर लग रहा है क्योंकि जो हमारी मैम है ना वो है छोड़ी और सबको डर लग रहा है अंदर जाने के लिए। अबे चलना भाई, हमें निकलते भाई, चलना यार। क्या है यार, चलो चलो सारे हाथ पकड़। ओए निकले परना वो वैभव, चल 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 चल। A few moments later. प्रैक्टिकल हो चुके हैं खत्म और अब टाइम हो रहे हैं 4 बज रहे हैं शाम के और अब घर जाने का टाइम आ गया। और ये मेरा प्रैक्टिकल इन लोगों से ना बाद में हुआ, इस बार किस्मत खराब थी। क्या हुआ तेरे साथ? वही हुआ। क्या हुआ? डिवीशन ने आग लगा दी लंका में। फिर क्या है फिर कल का प्रैक्टिकल का सीन? कल सुबह देखेंगे हैं, कल सुबह देखेंगे इसकी। तो सुबह से शाम तक देख लो कैसी हालत होगी गाइस, ऐसा लग रहा है जैसे 2 बच्चों का बाप हो। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। तेरे साथ क्या हुआ? इसके तो बाल सफेद हो गए, ये देखो गाइस ये भाई बहुत बुरा, बहुत ही बुरा हाल हो गया इसका। तो इतना स्ट्रेस क्यों लेता है भाई तू? हो जाएगी शादी, हो जाएगी जॉब भी मिल जाएगी भाई। बाल सफेद हो गए, शादी होगी, जॉब भी मिल जाएगी बीटेक के बाद। इतनी बुरी स्ट्रीम नहीं तूने चूज की है, हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। ये खुद को जरा एक बार दिल पे हाथ रख के बोल, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे पेट में मोमोज फंस गए हैं। तो पहला वैभव ट्राई कर रहा है। मैं तो खत्म ही हूं। तू तो 300 रुपए की डिग्री मिल जाए गाइस अगर। मैं बहुत स्ट्रेस में हूं इस टाइम। सॉरी, इतना तो सिलेबस में था जितना पूछ लिया यार। तो गाइस चलते हैं, फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेम फ्रॉम माय साइड, सेम फ्रॉम माय साइड एंड सेम फ्रॉम सेम गाइस। ये इसकी तो वही अब्दुल बासित वाली हाल हो गया कि इसका मेरा सेम सेम है। सर जो पूछा सेम सेम सर। चलते हैं फिर गाइस, बाय गाइस।